आध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य विद्यासागर महाराज के राजधानी चातुर्मास में श्रद्धा भक्ति के साथ श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए तांता लगा हुआ है। राजधानी का हबीबगंज जैन मंदिर श्रावकों के लिए तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है। सुबह से शाम तक की आचार्य श्री की सत्संग चर्चा में अनेक श्रद्धालु आ रहे हैं। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि ध्यानी लोग दिव्यज्ञान और समता के माध्यम से मोह को दूर करते हैं। ढूंढते-ढूंढते वहां आए, अच्छी बात, किंतु जो आपने सेवन किया भोजन इत्यादि में, वह आपके शरीर में विष बन करके फैला है। आपने विष का भक्षण तो नहीं किया, किंतु आपने अन्न का सेवन किया, लेकिन सेवन करने में भी गलतियां हो जाती हैं। शुद्ध भोजन होते हुए भी हम उसको अशुद्ध बना सकते हैं और रोग पैदा होता है, उसके कारण तुम्हारे शरीर में विष फैल गया है। तो अब इसका क्या इलाज है? हम बता देते, दवाई दे देते। तो दवाई उन्होंने दे दी, दवाई तो दवाई है, उसमें क्या है मत पूछो। उसमें यह है क्षमता, रोग को दूर करने की क्षमता विद्यमान है। ठीक तो हो जाऊंगा? हाँ, जैसे मैं कहता हूँ उसके अंदर करो तो ठीक हो जाओ। फिर भी हम पूछते हैं इसमें क्या क्या डला है, तो आप क्या बताएं? वेद जी अब बताए गए थे विश्व, इसमें विष मारने की क्षमता वाला औषध विद्यमान है, विष को मार सकता है, बहुत अच्छा है, किंतु वह क्या वस्तु है ये नहीं बताया। मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं वह एक प्रकार से विषाक्त वस्तु थी और रोग भी विषाक्त है। अब विष के द्वारा ही विष का दूर करना होता है, ये बता दे तो पहले से हार्ट फेल हो जाए आप लोगों का, इसलिए नहीं बता सकते। ये तो वेजी महाराज विष खिलाने जानते नहीं। विष को यदि हम साक्षात डायरेक्ट सेवन करते हैं तो वो मार देता है, प्राणों को हरण कर देता है, किंतु उसकी लेने की एक पद्धति अलग रहती। तो धतूरे के माध्यम से उन्होंने विष दवाई का औषध का निर्माण किया था। धतूरा जानते हो, विषाक्त होता है, और उसके माध्यम से औषध का निर्माण किया गया है, और ऐसे बहुत अच्छे नेतृत्व में उसका वो उत्पादन निर्माण हुआ है। किसी को हाथ नहीं लगाने देते, गंध भी लेने नहीं देते, देखने को भी नहीं उपलब्ध होता, कहाँ रखा, कैसा रखा, कब तक काम आएगा, ये सब उसी को मालूम है, और उसने देना प्रारंभ कर दिया। फिर बाद में जब वो ठीक हो गया मरीज, तो पूछता है कि मेरे शरीर में पूर्णतः विष व्याप्त था, तो आपने ये बताया कि उस विष को निकालने की क्षमता वाला औषध है, तो हमें बता दो नाम। तो उन्होंने विषहारक ये नाम रखा था। विषहारक है ये कौन सी वस्तु है ये नहीं बताया, विष को हरण करने वाला। धीरे से और ज्यादा पूछने से देखो, जिसका व्यापार आप नहीं कर सकेंगे ये लिख करके दे दो तो हम बता देते। हाँ, मत किसी को बताएंगे नहीं, बताना भी नहीं और व्यापार नहीं करना, ये बात। तो क्या है बता दो, तो उन्होंने बता दिया ये धतूरा। धतूरा? हाँ, किंतु
सीधा नहीं खाया जाता उसको, हमने अपने प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करके उसकी गुणवत्ता के बारे में परीक्षण करके और फिर बाद में दिया जाता है, किंतु निदान सही न हो तो भी वह मारक होता है। इसलिए वैद्य निदान को पक्के बनाए, और औषध तो पक्का बनता है लेकिन निदान यदि पक्का नहीं है तो वह दूसरे रोग को दूर करने के लिए एक दवाई काम में नहीं आ सकती। इसलिए वैद्य ने कहा कि धतूरा होकर के भी इस धतूरों को महीनों हमने धोया है रसायन की प्रक्रिया से, जैसे आप लोग दाना मेथी धोते हैं क्योंकि कड़वाहट है उसमें, है ना। आप भी पाकशास्त्र में विष को कड़वाहट को दूर करने का प्रयोग करते हैं, तब तो कहीं जा करके उसको मांग मांग करके लोग खाते हैं, किंतु डायरेक्ट सीधा ही दे देंगे तो कोई नहीं खा पाएगा। ऐसे ही ज्ञानी लोग जो मोह का विष व्याप्त है उसको भेद विज्ञान के माध्यम से, समता के माध्यम से, आप जितने समता के अवसर का पान करोगे उतने ही जड़ में घुस कर के जो बैठा विष, मुंह का विष व जड़ सब बाहर निकलेगा। आप कितने समय में निकालना चाहते हो बताओ? अनंत काल का वह जड़ है, बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन अंतर्मुहूर्त में काम में आ सकता। इसके लिए शुल्क कितना है? इसके लिए शुल्क कितना है? जो कुछ भी आपके पास है उसको लिख करके देना होगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। और इसी प्रकार जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक भी यह दवाई मैं लेता रहूंगा, ऐसा यदि संकल्प होता है तो पक्का है आपके यह विषमज्वर अवश्य ही दूर हो सकता है। आप सोच लेना, समय आपका हो गया है। अपने हितों उनके लिए भी बता दे ताकि उनका भी भला हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।